Good morning, dear students. I hope the previous session was helpful for understanding the concept of sentence rearrangement or sentence reordering. But if you still have any doubts, we try to cover in this session. This is the how I approach sentence reordering in my school. So, as you know, the tips are first subject, then helping verb, then action verb, then object. So let's see the first example. Love of others, good manners, and win the respect. So, as we know that there is no helping verb in this example. So, but there is a verb that is win, jeetna. मैंने पहले भी बोला जहाँ verb होता है उसमें na लगता है. तो हम win the in the middle लिख लेते हैं. So, बच्चे जैसे ही आपने वो वर्ड लिख लिया उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से लेफ्ट आउट वर्ड्स हैं. देन सेकेंड इज सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट कैन बी लव, रिस्पेक्ट, गुड मैनर्स. सो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो हाउ यू आइडेंटिफाई लव एंड रिस्पेक्ट, सेंटेंस बन रहा है लव एंड रिस्पेक्ट. लव एंड रिस्पेक्ट विन द गुड मैनर्स, ये सेंटेंस नहीं बन रहा. बट गुड मैनर्स कैन विन द. सो गुड मैनर्स हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट. और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा क्या होएगा, कैपिटल. गुड मैनर्स, देन अंडरलाइन दिस वन, देन विन द. क्या विन करता है वो, लव एंड रिस्पेक्ट. लाइन बन रही है ना हमारी. गुड मैनर्स से हम रिस्पेक्ट, लव, देन विच इज लेफ्ट आउट ऑफ अदर्स. तो गुड मैनर्स हमें हेल्प करता है विन द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. सो देखो कैसे ईजिली हमने ये सेंटेंस फ्रेम कर लिया. नेक्स्ट वन, इन वी ऑफ साइंस द एज लिव. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन इट, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट. सो वर्ब कौन सा है इसमें, लिव. लिव को हम सेंटर में लिख लेते हैं. देन वी फाउंड आउट अ सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट आपको बहुत ईजिली पता है, यहाँ पे प्रोनाउन है वी है. और वी क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में. वी लिव, अब वी लिव इन, आपने बहुत बार पढ़ा है वी लिव इन फगवाड़ा, वी लिव इन दिल्ली. तो लिव के बाद क्या आता है हमेशा, प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन वी यूज. तो कौन से वर्ड्स लेफ्ट आउट रह गए हैं, द एज ऑफ साइंस. सो वी लिव इन ऑफ साइंस द एज, कॉमन सेंस से क्या बन रहा है, वी लिव इन द, इन द, इन द एज ऑफ साइंस. हम साइंस की एज में रहते हैं. थर्ड एग्जाम्पल, डैट इज वुडन स्टेज विद अ पेंटेड ब्लैक क्लोथ डेकोरेटेड वॉज. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है वॉज. तो वॉज हम सेंटर में लिख देंगे. देन कम आउट विद डेकोरेटेड, सजाना, हमारे पास वर्ब भी है डेकोरेटेड. अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन से वर्ड्स रह गए हैं, वुडन स्टेज विद अ पेंटेड ब्लैक क्लोथ. तो हम क्या डेकोरेटेड करेंगे, क्या डेकोरेट करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, या तो वुडन स्टेज या फिर पेंटेड ब्लैक क्लोथ. अब वुडन स्टेज को तो पेंटेड ब्लैक क्लोथ से ही डेकोरेट करोगे, तो कॉमन सेंस में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या आएगा, वुडन स्टेज. सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, वुडन स्टेज. तो वुडन स्टेज वॉज डेकोरेटेड, देन अ प्रेपोजिशन विद आ, किससे डेकोरेट किया था, पेंटेड ब्लैक क्लोथ. बच्चे अगर कोई वर्ड स्लैश के बिना लिखा है, ये इकट्ठे लिखे हैं, तो आप एज इट इज लिखोगे, इसको ब्रेकआउट नहीं करोगे, ये वर्ड्स एज इट इज ही आएंगे, पेंटेड ब्लैक क्लोथ. सो हाउ इजली वी फ्रेम द सेंटेंस. देन द नेक्स्ट वन, ऑफ मैनकाइंड द हैबिट रीडिंग इज वन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ग्रेटेस्ट. सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे क्या है, या तो सब्जेक्ट है या फिर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, रीडिंग इज. तो हम ये क्या है, मिडल में लिख लेंगे, रीडिंग इज. देन वन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ग्रेटेस्ट. बच्चे हम हमेशा पढ़ते हैं कि द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज होता है, द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, ये हम क्या है एग्जैक्टली साथ लिखेंगे. और किसकी ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस,
हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द हैबिट, द हैबिट, रीडिंग की हैबिट होती है ना, द हैबिट ऑफ रीडिंग, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसकी? ऑफ मैनकाइंड, ऑफ मैन काइंड. सी हाउ इजली यू कैन फ्रेमिंग द सेंटेंस. देन द नेक्स्ट वन, मदर टेरेसा ग्रेटेस्ट वन ऑफ द मिशनरीज वॉज टाइम ऑफ अवर. बच्चे यहाँ पे नाम दिया है तो हमें इजिली क्या फाउंड हो गया, हमारा सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, तो मदर टेरेसा हम पहले ही लिख लेंगे, हमें पता है हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है. नाउ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज. मदर टेरेसा वॉज, हमने पीछे भी पढ़ा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. हम बोलते हैं ना विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या है वो, कौन से लेफ्ट है? मिशनरीज, ग्रेटेस्ट मिशनरीज. नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? टाइम ऑफ आर, टाइम ऑफ आर तो कुछ नहीं बन रहा, ऑफ आवर टाइम, ऑफ आर टाइम. सी मीनिंगफुल सेंटेंसेज आर यू आर क्रिएटिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग सेंटेंसेज बट आर मीनिंगफुल इम्पैक्ट. थैंक यू फॉर दिस. आई होप नाउ यू कैन एबल टू फ्रेम दिस सेंटेंस रीऑर्डरिंग विथ प्रॉपर पैटर्न एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. आई एम गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम योर वर्क बुक्स बाई टेलिंग यू पेज नंबर्स, काइंडली सॉल्व दैट इन योर नोटबुक्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. We will meet you in our next session. Thank you.